हमारा चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम लास्ट क्लास में पढ़कर आए थे कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर में हम अगर ये बोले हर चीज अब इधर आओ देखो हर चीज का एंड एक ही बात से होना है एंड क्या स्टार्टिंग भी और एंड भी हर क्वेश्चन में आपको बात क्या करनी है आरओआई ज्यादा है या कम किससे कॉस्ट ऑफ इफ आरओआई इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज बोले तो जितना ज्यादा उधार लोगे उतना अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा और ऐसे में हम बोलते क्या है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज कि एडवाइस करेंगे कि हाँ भाई कंपनी को क्या करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा उधार लेकर बिजनेस करना चाहिए। क्या हम ये पढ़कर आए थे? क्या हमने लास्ट क्लास के अंदर न्यूमेरिकल किए थे? नहीं। आज हमें करने हैं क्या? न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल करने से पहले हम ये समझेंगे कि जो कंपनी का बनता है ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट उसमें आज हम जो कवर करने जा रहे हैं वो क्या है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम आगे ले जाते हैं। और फिर यहाँ से क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को फिर हम आगे ले जाते हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट से ठीक पहले हम कुछ रखते हैं, उससे बोलते हैं क्या? इंटरेस्ट। क्या रखते हैं? एक तो रखते हैं इंटरेस्ट, एक और चीज़ रखते हैं, इसे कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। दो जो अपने काम की चीज़ें वो रख दी हमने पहले ही। और फिर जो नेट प्रॉफिट होता है उसको उसके ऊपर या तो कॉरपोरेशन क्या दिया जाता है, कॉरपोरेशन टैक्स देते हैं, उसके बाद भी जो नेट प्रॉफिट बचता है उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट आफ्टर। इसका मतलब पिछला प्रॉफिट क्या था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो मैंने इसको लिख दिया क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अगर मैं और इंटरेस्ट से पहले के प्रॉफिट की बात करूं तो उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब मैं बाकी सब बातें सब चीजें हटा देता हूं, जो हमारे काम की हैं वो रखता हूं। तो तुमने देखा कि हमारे पास कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आया निकलकर। ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? वो ये है कि कंपनी को नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिलता है, जिसमें से कंपनी क्या माइनस करती है? पहले इंटरेस्ट। क्या माइनस करती है? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद जो बचता है उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसमें से क्या माइनस होता है? टैक्स, कंपनी का टैक्स। और फिर जो बचता है उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर। ये अकाउंटिंग की लैंग्वेज थी। वैसे तो अकाउंटिंग ने भी अपनी लैंग्वेज बदल ली है, तो नई लैंग्वेज क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अब कहते हैं EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से क्या देंगे? इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो जो बचेगा उसे बोलेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें से क्या माइनस करेंगे? टैक्स माइनस करेंगे तो जो बचेगा उसे बोलेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स माइनस करने के बाद जो बचेगा उसे बोलेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्लियर है ये? तो आओ जरा देखें, हर कंपनी इस तरह से क्या निकालती है। ये जो EAT निकल कर आया ये क्या है? ये वो पैसा है जो कि या तो डिविडेंड के नाम पर बटेगा या फिर रिटेन्ड अर्निंग। चाहे डिविडेंड बटे या रिटेन्ड अर्निंग, दोनों के दोनों किसके हैं? शेयर होल्डर्स के। दोनों ही पैसे किसके हैं? शेयर होल्डर्स के। तो अगर हम ये काम करें
हमें ये चेक करना है कि कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया, जो ईएटी बोले तो जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, वो अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को बांटना चाहें तो इससे क्या निकल कर आएगा, अर्निंग पर शेयर। हाँ भाई, ये अकाउंटिंग फॉर्म है क्या निकालने की, अर्निंग पर शेयर। ये क्लियर है सभी को? ये जो भी अर्निंग पर शेयर आता है ये किसका होता है, यानी हर एक शेयर होल्डर को इतने रुपए मिलेंगे एक्स्ट्रा, उसको इतने रुपए। तो हम क्या करने जा रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। अब मैंने एक तो पॉइंट बोला व्हेन आरओआई इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट या फिर आरओआई इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डेट, दो तरह से हर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, ये दो ही तरीके हैं, कोई तीसरा तरीका ही नहीं है। और जो पांच पॉइंट हमने पढ़े थे उसके अलावा कुछ क्रिएटिव ही नहीं है, यही एज इट इज आना है। कौन कौन से पॉइंट होंगे, इफ आरओआई इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट क्या बोलेंगे, फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। डेट ज्यादा लोगे तो उधार, उधार ज्यादा लोगे तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, इसे क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज प्रेफरेबल एडवाइजेबल। इसका अपोजिट क्या होएगा, इफ आरओआई इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डेट अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। बोले तो ज्यादा उधार लिया तो अर्निंग पर शेयर गिर जाएगा, और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एडवाइजेबल नहीं है। जो मैंने तुम्हें तीन पॉइंट चार पॉइंट बोले यही लिखने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। लेकिन एक न्यूमेरिकल है, जब भी क्वेश्चन आएगा ये चाहे तुम्हें अपने मन से बनाना पड़े, बनाना ही पड़ेगा। अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा क्या है ये। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं किसी भी क्वेश्चन में। क्या हम सिर्फ आरओआई और कॉस्ट ऑफ डेट के बेस पर डिसाइड कर सकते हैं डेट लेना है या नहीं? हाँ, लेकिन उसके बाद भी जबरदस्ती है, ये बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलो भाई, तुम सब लोगों के पास एक शीट दी गई है तुम लोगों को, एक बात ध्यान सुन लो, पिछले 10 सालों में जितने भी क्वेश्चन आए वो सब इसके अंदर डाल दिए गए हैं, यानी इसके अलावा बोर्ड ने ना कभी कोई क्वेश्चन दिया। और अगर हम इसे खत्म कर देंगे इसका मतलब हमने बोर्ड की तैयारी आज ही कर ली, कल ही बोर्ड दे दे ये क्वेश्चन हम देख लेंगे। और बोर्ड क्रिएटिविटी नहीं करता, और जब भी हम इन क्वेश्चंस को करते हैं तो कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, उन बातों को मैं यहां पर लिखना चाहूंगा। एक चीज तो क्लियर है, ये चीज तो हमें बनानी है हर क्वेश्चन के अंदर। इससे क्या निकल के आ रहा है, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा ये पता करने के चक्कर में हमें निकालना पड़ रहा है कितना बढ़ेगा। लेकिन बात आती है कि ये सब करने से पहले सर ये तो बताओ क्वेश्चन में हमें क्या दिया होगा, तो समझते हैं। मैं केस स्टडी बता रहा हूं, इसका समझना, केस स्टडी क्या है, एक बिजनेस ऑलरेडी चल रहा था, एक कंपनी का, कंपनी रनिंग बिजनेस कर रही थी, और रनिंग बिजनेस के अंदर कंपनी की टोटल फंड, कंपनी का टोटल फंड लगा हुआ था, लाइक 10 लाख रुपए। ठीक है, अब इसके बारे में हमेशा ब्रेकअप दिया होता है, व्हाट इज ब्रेकअप, कि इसमें से कितना डेट है और कितना इक्विटी, हमेशा क्वेश्चन में दिया होता है कितना डेट या कितना इक्विटी। फॉर एग्जांपल हम इस केस की बात करें तो मान लेते हैं 6 लाख का कंपनी के पास डेट है और 4 लाख की क्या हो गई फिर, इक्विटी। कोई उल्टे कर देते, कोई बात नहीं, हाँ 6 लाख की इक्विटी हो गई और 4 लाख का क्या हो गया हमारे पास डेट, टोटल फंड कितना हो गया। अच्छा, 10 लाख रुपए लगा के आप कमाओगे कितने ये तो बताओ, जो कमाओगे ये रहा वो कमाई, कौन सी, ये वाली ईबीआईटी, ईबीआईटी इज अ कमाई। तो हमने क्या किया, हम ईबीआईटी, ये क्वेश्चन में हमेशा 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 देता है, हमेशा देगा। मैं इसके अंदर अगर मान लूं ये कंपनी कमाती थी 20 लाख रुपए, ध्यान देना कितने रुपए लगा के कमाती है 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लगा के कमाती है 20 लाख,
और जो 4 लाख का उधार लिया हुआ है हमने, इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कुछ ना कुछ तो जरूर होएगा। हमेशा किताब बताती है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होएगा, 10%, ये हमेशा ऑलरेडी गिवन होता है। और एक और चीज गिवन होती है, इसे कहते हैं टैक्स, लाइक 30% टैक्स। ये सब चीजें हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगी, मतलब वो हिंट देगा कि आप पहली चीज टोटल कैपिटल कितनी है, दूसरा उसमें इक्विटी कितना है, उसमें डेट कितना है, और डेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, और कंपनी साल में कितना कमाती है, और कंपनी का टैक्स कितना है। ये सब क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है। तो हमें किस चीज पे काम करना है, बढ़ते हैं आगे। ये मैंने तुम्हारे सामने एक कंडीशन रखी थी, ये सामने, इससे निकल के क्या आने वाला है, अर्निंग पर शेयर। तो इसके ऊपर मैं फॉलो करता हूँ। सबसे पहले मेरा आता है क्या, ई बी आई टी, कितना दिया हुआ है, 20 लाख। कितना दिया ई बी आई टी, नहीं इतना तक क्यों ले लिया, 2 लाख लेना चाहिए ना, मैं 2 लाख, अरे वो 10 लाख का तो टोटल फंड था यार, इतना 10 लाख पे 20 लाख कमाना ये ज़्यादा हो जाएगा यार, ऐसा इतना नहीं कमाना। इसे कितना कर रहे हैं हम लोग फंड, कितना कमाया कंपनी ने साल में, 2 लाख, 10 लाख रुपए लगाए, कितने कमा रही है कंपनी, 2 लाख। तो सबसे पहले तो अगर मैं कुछ भी ना करूं और सिंपल तुमसे पूछूं कि क्या तुम इस कंपनी की ये फॉर्मेट देख के बता सकते हो कि इस कंपनी को डेट लेना चाहिए या नहीं, या कैलकुलेशन के बाद ही बता पाओगे, आओ समझते हैं। नहीं सर, इसके लिए तो हमें कैलकुलेशन तक जाने की जरूरत नहीं है सर, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, ROI और COD का कॉन्सेप्ट है सर। ये सर देखो सर, आपके क्वेश्चन में COD दी हुई है सर 10% सर, और सर ROI आप कह रहे हो तो हम निकाल लेते हैं। तो ROI का सर फॉर्मूला होता है सर EBIT अपॉन टोटल फंड मल्टीप्लाई बाय 100। सर आप जैसे ऐसा कर दोगे तो सर EBIT क्या दी हुई है, 2 लाख रुपए दी हुई है सर, और टोटल फंड कितना दिया हुआ है सर, 10 लाख रुपए दिया हुआ है सर, और इसके ऊपर सर 100 का मल्टीप्लाई सर 2 जीरो से 2 जीरो गए सर, कितने जीरो बचे सर, 4 जीरो बचे, 4 से 4 उड़ा दिया सर, कितना बचा, 20% सर। तो फाइनली सर हमें मालूम चल गया सर ROI इज ग्रेटर देन क्या है सर, कॉस्ट ऑफ, बोले तो इस कंपनी के लिए ये फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज है। क्या इस कंपनी को ज्यादा डेट लेना चाहिए, उससे इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एडवाइजेबल है इस कंपनी के लिए। सारा तो आंसर ही निकाल दिया, फिर ये बदतमीजी क्यों। मैं पहले क्लियर कर दूं, अगर तुमने किसी का भी आंसर इस तरह से दे दिया डायरेक्टली तो मैं 1 नंबर मिलेंगे, 4 नंबर में भी कितने मिलेंगे, 1 नंबर। तुमने आंसर एकदम सही किया है, तुमने सही एडवाइस किया है, सब सही किया है, लेकिन नंबर मिलेंगे 1, क्योंकि कैलकुलेशन दिखानी क्या है, जरूरी कैलकुलेशन हमें दिखानी ही पड़ेगी। आओ देखते हैं कौन सी कैलकुलेशन है। अभी हमने बात की थी EBIT कितना था, 2 लाख, जिसमें से क्या माइनस करते हैं, पहले इंटरेस्ट कितना था, 4 लाख पर 10% 40,000। क्या बोलेंगे, EBT अर्निंग बिफोर टैक्स कितना, 1,60,000। फिर माइनस किया इसमें क्या, टैक्स 30% था टैक्स, 16 दिया, वो तुम्हें देखना है, 48,000। मुझे भरोसा नहीं है इस पे, है तुम्हें, तुम्हें खुद पर है नहीं है, बस ठीक है। फिर 0,0,0, 10 में से 8 गए 2, 5 में से 1, और 1,12,000। क्या बोलेंगे, EAT। और जैसे इस EAT को हम डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ शेयर से। तो अब मेरी बात फिर ध्यान सुनो, ये बताना इक्विटी कितनी थी यहां पर, इक्विटी कितनी थी, ₹6 लाख, कितना ₹6 लाख। मुझे पता करना है नंबर ऑफ शेयर्स, बताओ कोई तरीका तुम्हारे पास है, बदतमीज क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस क्या आता है, टोटल वैल्यू। तो ये रुपीज में वैल्यू दी हुई है, ये क्या दी हुई है, टोटल वैल्यू। तो अगर मेरे पास क्या मिल जाए, मुझे प्राइस ऑफ शेयर मिल जाए, तो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन में लेकिन दिए ही नहीं होंगे, क्वेश्चन में कभी दिए तो वहां पर 2 ऑप्शन होंगे, 10 मानो या 100 मानो, नहीं नहीं कुछ भी मानो चलेगा, कोई बात नहीं, 100 मान लो, कुछ भी मानो चलेगा। आओ अभी नहीं मानना जरूरी है, क्वेश्चन करेंगे तो मालूम चलेगा, ध्यान देना। अगर तुमने 100 माना या 10 माना, तो तुम्हारा ऑब्वियसली आंसर में बहुत बड़ा चीज आने वाला है, लाइक 10 से आएगा 0.4, तो 100 से आएगा जो भी, मतलब
डिवाइड बाय 10 और डिवाइड बाय 100 से बड़ा अंतर पड़ जाएगा, है ना। तो हमने क्या बोला, नंबर ऑफ शेयर्स से जैसे ही डिवाइड करेंगे, तो इस क्वेश्चन में हम एज्यूम कर लेते हैं 10 रुपए का एक शेयर है। हाँ भाई बताना है कितने नंबर ऑफ शेयर हो गए, कितने हो गए। तो जैसे ही मैंने 60,000 डिवाइड मारा, अब तुम में से कौन है जो बताएगा, नहीं कुछ नहीं चलेगा, एग्जैक्ट चाहिए यार, ऐसे पाप नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तुम पे भरोसा नहीं है ना मुझे, इसलिए मैं अपना ही। हाँ भाई कितना आया, 1.86। तो ये क्या आया, 1.86 क्या है ये, अर्निंग पर शेयर। हाँ भाई तो सर इससे क्या निकल कर आया, रुको रुको, इससे क्या निकल कर आया मैंने पता नहीं, बस ये मालूम था कि सर जो भी था वो ऐसा स्टेटस था जो बोल रहा था कि अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, लेकिन ये जो शेयर है अर्निंग पर शेयर 1.86 कितना बड़ा कितना नहीं बड़ा, इस बारे में पता है क्या, मैं कुछ कंपेयर कर पा रहा हूँ क्या, कंपेयर तब कर पाऊंगा जब मुझे पुरानी और नई कंडीशन दी होंगी, दो कंडीशन के बीच में क्या हो पाएगा, प्रॉपर कंपेरिजन। तो आओ शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पर कि एक कंपनी का स्टेटस दिया है। अब जो मैंने यहाँ पर किया है ना, याद रखना आज हम सारे के सारे स्टेप बाई स्टेप करेंगे और ये स्टेप फॉलो करना है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी जबरदस्ती की। सबसे पहले तो हमने देखा टोटल फंड कितना दिया हुआ है यहाँ पर, तो लो साहब मैंने टोटल फंड था 30,00,000, जिसमें से तीन कंडीशन है, सिचुएशन 1। हाँ भाई तीन कंडीशन है हमारे पास, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। पहली कंडीशन के हिसाब से सिचुएशन 1 में डेट बिल्कुल भी नहीं है, दूसरी कंडीशन में डेट कितना, तीसरी कंडीशन में कितना, टोटल फंड के हिसाब से तुम सब विद्वान बता पाओगे मुझे इक्विटी कितनी, पहले केस में पूरी 30,00,000 की क्या है, दूसरे केस में कितनी है इक्विटी, 20,00,000 की, तीसरे केस में कितनी है इक्विटी। अभी क्लियर है, ईबीआईटी हमेशा गिवन होएगा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2,00,000। हाँ जी फिर इंटरेस्ट, तो पहला केस जो था हमारा उसमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, निल है तो निल, 10,00,000 पे 10%, 1,00,000 और 20,00,000 पे 10%, सॉरी 20,00,000 नहीं कितना है ये बताते, 20,00,000, 20,00,000 पे 10%, 2,00,000। हाँ जी तो हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स क्या आया, पहला केस पूरा पूरा एज इट इज 4,00,000, दूसरा केस 0, ऐसे ही बढ़ा देता हूँ मैं यार, और दूसरे में तीसरे लास्ट में टैक्स कितना, हमने बोला 30%, लगाओ जरा कितना हुआ 30% से, 1,20,000, दूसरा 90,000, तीसरा 60,000, कितना कितना बचा भैया, 2,80,000, 2,10, 1,40, 40 से 36 हो गया। हाँ भाई नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड तुम 10 से करो या फिर 100 से करो, तुम्हारी श्रद्धा है। तो आओ देखते हैं क्या था फिगर ऊपर, 3,00,000 डिवाइड बाय 10, कितने नंबर ऑफ शेयर आए, 30,00,000 से डिवाइड बाय 10 करोगे 3,00,000 आएंगे ना, कैसे कैसे क्या ऐसे नहीं चलेगा, सॉरी ये क्या बात है, कौन ऐसे जबरदस्ती पहले गलती हो फिर सॉरी। हाँ भाई 20,00,000 पे डिवाइड मार रहे, 10 से डिवाइड मारा कितना आया, 2,00,000 शेयर, तीसरे में 1,00,000 का डिवाइड मारा 10 से कितना आया, 1,00,000 शेयर। हाँ भाई कितना आया, 0.93, कितना आया 1.05, कितना आया 1.40। भाइयों और बहनों नहीं, अरे मैं जीनियस हूँ यार, ये तो मैंने ऐसे निकाल दी कैलकुलेशन, अभी क्या नीचे लिखे तो मैं ताऊ देख भी नहीं पा रहे हो, नीचे लिखे तो हुए यार। हाँ जी तो हमने क्या देखा, अब ध्यान देना, अब इस क्वेश्चन के अंदर ना कंक्लूजन निकाल पा रहे हो, जब तुम्हारे पास बिल्कुल भी उधार नहीं था, उधार नहीं लेते पूरा पैसा अपना लगाते, तो आपको पर शेयर कितना मिलता, 0.93। दूसरा केस, अगर आप 20,00,000 अपना लगाते तो कितना मिलता, 1.05,
तीसरा केस 20 लाख रुपए उधार लेके लगाते तो क्या मिलता 1.40, तो क्या बेस्ट है मालिकों के पॉइंट ऑफ व्यू से विच सिचुएशन इज बेस्ट? लेकिन ये क्यों बनी? क्योंकि ROI इज ग्रेटर देन, मेरी बात सुनो फिर से, चीजों को आसान करना है या टफ? आसान। जैसे ही तुमने ये क्वेश्चन यहां तक निकाल लिया, अब तुम बोलोगे यहां पर इस केस के अंदर अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है जबकि हम उधार बढ़ा रहे हैं। मेरी बात फिर से सुनो, उधार बढ़ रहा है, डेट बढ़ रहा है, फिर भी अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, व्हाई दिस कोला वेरी डी? अब ऐसा क्यों? क्योंकि ROI इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट है यहां पर, इसलिए क्या, डेट ज्यादा लेने पर अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है क्योंकि ये फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज थी, और इस कंपनी को हम प्रेफर करेंगे कि इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की तरफ ही जाना चाहिए, बस इतना ही लिखना है। लेकिन आओ जरा देखें यहां पर इन्होंने क्या बदतमीजी की हुई है। तुम्हें इतना ही लिखना है जितना मैंने बोला है, पूरे नंबर मिलेंगे उतना लिखने के, लेकिन यहां की फालतू गंदी लैंग्वेज देख लेते हैं। द कंपनी अर्न इतना इतना इतना, बहुत बढ़िया। व्हाई इज EPS राइजिंग विद हायर डेट? क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द रिटर्न बोले तो ROI दैट कॉम्बी लिमिटेड इज अर्निंग ऑन फंड एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड पर द कंपनी इज अर्निंग। ROI का फॉर्मूला लगा दिया, ये रहा ROI का फॉर्मूला, कितना आया 13.33% विच इज ग्रेटर देन 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज हायर देन द 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेइंग ऑन द डेट फंड विद हायर द यूज ऑफ डेट। इन दोनों के बीच का गैप बढ़ेगा और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा, फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज हो जाएगी, और जितना ज़्यादा हो सके सस्ता चीपर डेट मिले उतना ज़्यादा आपको लेना चाहिए, उससे अर्निंग पर शेयर उतना ज़्यादा बढ़ेगा एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज एडवाइजेबल। लैंग्वेज गई भाड़ में और चूल्हे में, हमें क्या करना है, हमें इससे वो 3-4 पॉइंट रख देने हैं। ये लगाने के बाद, ये करने के बाद एक ही चीज लिखोगे क्या, पहले कैलकुलेट करोगे इस कंपनी की क्या ROI मेथड लगा के, और फिर अगला पॉइंट क्या होगा, इन दिस केस ROI इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, देयरफॉर दिस इज अ फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज, इसलिए कंपनी को क्या करना चाहिए, मोर डेट, ज्यादा से ज्यादा उधार ले, उससे क्या होगा अर्निंग पर शेयर उतना ज्यादा बढ़ेगा और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज प्रेफरेबल, बस आंसर खत्म। क्लियर है टीपू सुल्तानो, टीपने की कुछ चीज ही नहीं है, मैं तो बोल रहा हूं कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर, जो मैंने बोला है वो लिखना है खाली। याद आया। हाँ जी, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि तुम देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले तो तुम्हें आंख बंद करके काम कर देना चाहिए, क्या निकालना चाहिए, ROI एंड द फॉर्मूला इज EBIT अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, क्या बदतमीजी कर रहा हूं मैं भी, तो EBIT अपॉन टोटल फंड मल्टीप्लाई बाय 100, इसके चक्कर में आया मैं, ये मुझे बहका रहा है बदतमीज। अब EBIT कितनी आ रही है यहां पर, 2 लाख डिवाइड बाय टोटल फंड कितना है 30 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना, हाँ भाई, जीरो से दो गए सारे गायब हो गए, 2 से 2 गए, 4 से 4 गए, और ये ऊपर उठा के फेंक दिया, कितना आया 6.67 एंड 6.67 मतलब क्या हो गया, इन दिस केस ROI इज लेस देन COD क्योंकि ये 10% है, ये 6.67 है, तो एक चीज तो क्लियर है यहां पर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एडवाइजेबल। लेकिन हमें क्या करना है, पहले बदतमीजी कौन सी वाली, इसको करना है फिल, फटाफट कर दो इसे फिल, मैं यहां पर कर रहा हूं, वो जो जिनके दिमाग में ना घुसा हो वो प्लीज सामने से टीप सकते हैं। तो पहला केस कोई डेट नहीं, दूसरा केस 10 लाख रुपए का डेट, तीसरा केस 20 लाख रुपए का डेट, सेम क्वेश्चन ऊपर वाला कंटिन्यू किया है हमने, फिर यहां पर इक्विटी कितनी है, इसका मतलब पूरी 30 लाख रुपए की है, दूसरे केस में कितनी रह गई इक्विटी 20 लाख रुपए की, तीसरे केस में कितनी रह गई इक्विटी 10 लाख रुपए की, किसी को समझ ना आ रहा हो तो हाथ उठा देना, अगर मैं हाथ देख लूंगा तो बता दूंगा। EBIT कितना दिया हुआ है 2 लाख, EBIT दिया हुआ है हमें 2 लाख, एक मिनट के देखते रहो आगे बदतमीज, एक मिनट मुझे क्यों रोक रहे हो। इंटरेस्ट कितना दिया है, तो इंटरेस्ट के लिए हम आएंगे देखने के लिए, 10% रेट ऑफ दिया हुआ था पहले केस में नील, दूसरे केस में 1 लाख रुपए का
और यहाँ पर 2 लाख रुपए का, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम करो, प्लस माइनस भी नहीं आता तुम्हें यार, बर्बाद है ये लड़का यार। हाँ तुम बताओ क्या आएगा, तुम्हें नहीं पता, बदतमीज, प्लस माइनस भी नहीं आता, बोलो पूछ रहा क्या आएगा। हाँ भाई टैक्स लगाओ 30%, 3 दूनी 6, 60,000, 3 3 9, सॉरी 3 1 3, 30,000, कितना बचा, 1,40,000, 70,000 नेल। नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं, 10 से डिवाइड कर दो, क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए, गारंटी नहीं है चलेगा। हाँ जी, तो अब नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं, यहां पर 30 लाख डिवाइड बाय 10 मार दो, 20 लाख डिवाइड बाय 10 मार दो, 10 लाख डिवाइड बाय 10 मार दो, कोई फायदा नहीं है। पहला केस 0.47, दूसरा केस 0.35, तीसरा केस निल। इतनी फास्ट कैलकुलेशन के लिए तुम्हें जीनियस बनना पड़ेगा जो मैं हूं, तुम भी हो, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, ये भरते ही क्या बताएंगे, अर्निंग पर शेयर कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली इस केस में क्या होएगा, आरओआई कम होगी एज कंपेयर टू। तो अब आंसर 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 पे आ रहे हैं, थ्योरेटिकल आंसर क्या लिखोगे, इन दिस केस आरओआई इज लेस देन कॉस्ट ऑफ दैट, देयरफोर ज्यादा उधार लेने पर अर्निंग पर शेयर कम हो रहा है, दिस इज अ अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज की कंडीशन है, और ऐसे में क्या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड एडवाइजेबल है कि आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं करोगे। लेकिन इसके नीचे एक नोट है, ये नोट पक्का देंगे हम, देखो नोट क्या है, इस हिसाब से तो ये जो कंपनी है ये तो बड़ी खुश हो गई, उधार ही उधार लेती चली जाएगी, पहले कंपनी का पूरा पूरा, अबे पहले समझ ले, पहले फिर लिख लेना, पहले 100% मेरा पैसा लगा हुआ था, डेट इक्विटी रेशियो 0:1, मैंने 1 रुपया उधार ले लिया 1:1, मैंने 2 रुपये उधार ले लिए 2:1, तभी मुझे राणा सर मिले, उन्होंने बोला और उधार लो, मैंने 4:1 कर दिया, फिर कोई और मिला उसने बोला और उधार लो 10:1 कर दिया, और अर्निंग पर शेयर अभी भी बढ़ रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है व्हेन आरओआई इज ग्रेटर देन, तो अर्निंग पर शेयर बढ़ता है। ठीक है, ध्यान क्या देना है, जितना ज्यादा उधार लोगे फाइनेंशियल रिस्क उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए आपको डेट इक्विटी रेशियो के अकॉर्डिंगली ही उधार लेना चाहिए। क्या मतलब देखते हैं, इवन इन द केस ऑफ कॉमविल, जो पहला एग्जांपल था हमारा ऊपर वाला जहां प्रॉफिट था, रेकलेस यूज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज नॉट रिकमेंडेड, यानी ऐसा नहीं कि मान चला लगे पड़े हो उधार ही उधार लेने के लिए, अरे देखेंगे जो भी कर लेंगे, बहुत बढ़िया। एन इंक्रीज इन डेट में एनहेंस द अर्निंग पर शेयर बट ऑल्सो इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क। विजय माल्या इसीलिए भाग गया क्योंकि उसका डेट इक्विटी रेशियो इतना खराब हो चुका था, अब उसको उधार कहीं से मिल ही नहीं सकता था, इसलिए अल्टीमेटली उसे भागना पड़ा। अ कंपनी मस्ट क्या करना चाहिए, उसको ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए, जिसे क्या बोलते हैं डेट इक्विटी मिक्स, का मतलब क्या है लिख लेना, डेट इक्विटी रेशियो को ध्यान में रखते हुए उसको क्या करना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए कि कितना डेट और कितनी इक्विटी, और साथ साथ रिस्क और रिटर्न भी कंपेयर करना चाहिए। क्या हमने किया, हाँ, रिस्क बोले तो सीओडी, रिटर्न बोले तो आरओआई, तो दोनों का कंपेयर करना चाहिए, विच मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। रिस्क और रिटर्न का जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर है, नोट, हाँ, ये तो तुम ज्यादा एडवाइस दे दो ना, क्या प्रॉब्लम, हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रही हो, किस केस में बोल रही हो, नहीं नहीं ये तो हम ओवर, ये तो ऊपर कॉमविल की बात हो रही है ना, तुम कौन सी पॉइंट की बात कर रही हो, ये दोनों को मिलाकर एंड में नोट देना होता है, ये कॉमविल लिखा है ना, कॉमविल का मतलब एग्जाम्पल 1 का नोट, दूसरा हमने जॉबर हेड्स ली हुई है, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा जॉबर्स हट का, शट नहीं हट लोगों ने पहली कंपनी खुलने से पहले शट कर दी आगे बढ़े
अरे पार्थ, ये तो आया नहीं था लास्ट क्लास में, तुम आए थे क्या? आए थे, फिर ठीक है, फिर तो डिस्कस कर लो। क्या जी? नहीं नहीं, पहले के लिए नोट है। सुनो, दूसरे के लिए कोई नोट नहीं है। दूसरा तो वैसे ही हम उसको एडवाइस नहीं कर रहे डेट लेने के लिए। पहले में हमने उसको डेट लेने के लिए एडवाइस किया, तो हम उससे बोल रहे हैं कि कहीं ज्यादा डेट मत लेना, थोड़ा हिसाब से लेना, डेट इक्विटी रेशियो को ध्यान में रखते हुए लेना और ROI और कॉस्ट ऑफ डेट को कंपेयर करते हुए उधार लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेचारे बच्चों के लिए पूरा एक ऐसा क्वेश्चन है, एक नंबर देते हैं इतने बड़े क्वेश्चन के, बदतमीज। वो बोल रहा है व्हाट इज दिस सिचुएशन कॉल्ड, इसे कहते क्या है, आओ पढ़ते हैं। कुछ नहीं है, जो हमने ऊपर किया वही है, खाली एक न्यूमेरिकल को एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया गया। टोटल फंड इज 30 लाख, इंटरेस्ट रेट इज 10%, टैक्स रेट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कमाई कितनी 4 लाख। ये सेम एग्जाम्पल जो हमने कॉम्बिल वाला लिया था ऊपर। पहली सिचुएशन में 3 लाख शेयर 10 रुपए की रेट से, नो डिबेंचर्स एंड नो लोन, और अर्निंग पर शेयर कितना निकल कर आ गया 0.93। दूसरा केस, 1 लाख शेयर्स थे, 2 लाख डिबेंचर्स थे, और अर्निंग पर शेयर कितना आ गया 1.40। अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, ऑब्वियसली इस कंपनी की ROI भी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ डेट। इसे बोलते क्या है, ट्रेडिंग ऑन। क्वेश्चन है व्हाट इज दिस सिचुएशन कॉल्ड, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फिर फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज, दोनों के। उसने कही तुम यहां पढ़ के बताओ क्या बोल रहे हैं तुम्हारे हिसाब से, दोनों को कंपेयर करके तो बोलोगे ना। एक खाली एक कंडीशन से तो कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर पाओगे, दो का कंपेयर होएगा। बिना उधार के इतना मिलता, उधार लेके इतना मिला, कंपेयर हुआ तब मालूम चला इस कंपनी में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एडवाइजेबल थी, इसलिए इस कंपनी को फायदा हुआ। और वो कब होती है एडवाइजेबल, व्हेन ROI इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट। नेक्स्ट, अब देखो भाई, हाउ आर शेयर होल्डर्स लाइकली टू गेन विद लोन कंपोनेंट इन द कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल फंड। टोटल फंड में, टोटल फंड में ये बोल रहा है, अबे बदतमीज, टोटल फंड में डेट का कंपोनेंट, डेट इक्विटी रेशियो, डेट का कंपोनेंट बोल रहा है। क्वेश्चन है थ्योरेटिकल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आंसर देना है न्यूमेरिकल तरीके से और एक्सप्लेन विद द सुइटेबल एग्जाम्पल। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, शेयर होल्डर, हाउ आर शेयर होल्डर्स लाइकली टू गेन विद लोन कॉम्पोनेंट्स इन द कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब टोटल फंड में जितना ज्यादा उधार होएगा मालिक को उतना ज्यादा फायदा होगा, इस बात को समझाओ। हाँ भाई, फिर सुनो, यहां मत देखो, आगे मत देखो, पहले समझ लेते हैं। तुम्हें एक समझाना क्या है, तुम्हें समझाना है व्हेन ROI इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, ऐसे में दिस इज अ फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। बोले तो जितना उधार लेंगे उतना अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, एंड इस तरह की कंपनी के लिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एडवाइजेबल होती है। आंसर हो गया इसका खत्म, लेकिन साथ साथ हमें न्यूमेरिकल बनाना है, कंपेयर तो करना ही पड़ेगा। तो तुमने क्या किया, 2 एग्जाम्पल ले लिए, एक जहाँ पर डेट नील कर दिया, एक में जहाँ डेट रख दिया, और अर्निंग पर शेयर को क्या रखना है, इस केस में रखना क्या, तुम्हें ROI इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट रखनी है। तो ये एग्जाम्पल तुम अपने फिगर आउट, अपने फिगर्स रखोगे जैसे रखना चाहो, और तुम आंसर को जो मैंने बोल दिया वो लिखना है। बाकी यहां पर जो भी लिखा है जबरदस्ती के पॉइंट्स हैं, रटने रटाने के जरूरत ही नहीं है तुम्हें, वो 5 पॉइंट हर जगह, वो 4-5 पॉइंट ही कवर कर देने हैं। ठीक है, आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5th, जहां पर अब फिर बोल रहा है ट्रेडिंग, एक्सप्लेन द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, व्हाई एंड व्हेन एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड बाय अ कंपनी। क्या यार, ये भी क्या पूछते हैं, हमें सब पता है, व्हेन ROI इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, दैट इज फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज, जितना उधार लेंगे उतना अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, और साथ में क्या, एक न्यूमेरिकल। तो आ जाओ, अब ये न्यूमेरिकल हम अपने मन से बनाएंगे। आ जाओ भाई, टोटल फंड था इस कंपनी के पास, क्यों 1 करोड़ दूंगा इस बार में से, कितना हुआ 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़। रेट ऑफ टैक्स हम कर देंगे अब 30%, EBIT करेंगे इस कंपनी के लिए 25 लाख, फेवरेबल रखनी है ना, उसने बोला ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है, फेवरेबल, तो 25 लाख कर दिए, 25 लाख क्यों कर दी मैंने, क्योंकि मुझे निकालनी थी ROI, ROI 25 लाख करने से क्या हो गया, 25 लाख डिवाइडेड बाय 1 CR मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ जाएगा, 25%, विच इज ग्रेटर देन
रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम खुद एज्यूम कर लो 10%। तीन केस बना लो, जीरो डेट, 10 लाख का डेट, 50 लाख का डेट, कर दो फटाफट। तीन कंडीशन दे दी, क्या बेटा? अबे इन्होंने कुछ नहीं किया, हम ही नहीं किया, ऐसा कुछ करो 50 कर दो इसे। अरे छिपकली छिपकली, मतलब बैग उसका गिर रहा है और डर रही है। हाँ भाई करो करो फटाफट करो। 1 करोड़ का टोटल फंड था पहले केस में, पूरा पूरा 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ जीरो बड़े परेशान करते हैं। 1 करोड़ में 10 लाख, फिर 50 लाख इधर रख दिए थे हमने, तो 50 लाख इधर। EBIT कह दी थी हमें 25-25 लाख, 25-25 लाख, 25-25 लाख EBIT, 25-25 लाख इंटरेस्ट पहले में कुछ भी नहीं, 10 लाख पे 10%। कितने यार, ये भी कोई इंटरेस्ट होता है? 1 लाख, 50 लाख पे 10%, 5 लाख। अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आया? पहला केस 25 लाख पूरा, दूसरा केस 24 लाख, 24 लाख, तीसरा केस 20 लाख। अबे देख लेना, मेरी मैथ की गारंटी नहीं है, मेरे पास मैथ थी भी नहीं, तुम लगा लेना अपने हिसाब से, गणित खुद लगा लेना, गणित तुम्हारी भी नहीं गारंटी। हाँ जी, तो टैक्स लगा दो, टैक्स 7.5 लाख तुम पे भरोसा कर सकते हैं, दूसरे में 7 लाख 20, तीसरा पूरा 6 लाख। हाँ भाई कितना कितना आया माइनस करो, कितना कितना आया? तुम सही कह रही हो, 17 लाख। दूसरा केस 16 लाख, 80,000। तीसरा केस नंबर ऑफ शेयर निकालने, डिवाइड बाई मार दो 10 से, 1 करोड़ को 10 से डिवाइड मारा, 10 लाख शेयर, दूसरे में 9 लाख शेयर, तीसरे में। हाँ भाई आओ जरा, कितना कितना आया बताओ, 1.75 पर शेयर। नहीं आता तो मैं आता हूं। अरे आया कुछ फिगर बोलो, फिगर ही दिखाई दे रहा, मैं क्या करूंगा तुम्हारी हेल्प यार। कितना है बेटा? ठीक है, और चलो ठीक है, ऐसे कौन सा इसी नंबर मिल रहे हैं। हाँ भाई तो हमने क्या देखा, तुम तुम्हारे लिए लो तो क्या, ये लो तो 2.86। तो ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बतानी थी, विच वॉज क्या फेवरेबल, जिसकी वजह से हमने सारा गेम किया। जो भी यहाँ पर लिखा है ये सब बदतमीजी में जाने की जरूरत नहीं, जो मैंने पहले बता दिया हर जगह पे 4-5 पॉइंट दे मारे। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ भाई अब देखो, स्टेट वेदर द शेयर होल्डर्स कमाएगा या गवाएगा, यानी अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा या कम होएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्निंग पर शेयर ऑन डाइवर्सिफिकेशन। अब ये कंपनी के, अब ध्यान से सुनो फिर क्या हुआ, वो बोल रहा है कि अगर कंपनी को डाइवर्सिफाई करना है तो पैसे की जरूरत है, लॉन्ग टर्म फंड की जरूरत है, लॉन्ग टर्म फंड डेट से लाएगा इक्विटी, डेट ज़्यादा लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, उसको एडवाइस करेंगे कि उसने क्या किया है उसके हिसाब से बताएंगे। शो योर कैलकुलेशन। के लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स, इट हैज़ अ शेयर कैपिटल ऑफ 60 लाख एंड इन द प्रीवियस ईयर इट अर्न्स अर्निंग पर शेयर वॉज कितना, 0.5। अब यह प्रीवियस पुराना दिया हुआ है, यानी अब यहां पर मैंने क्या बोला था, हर बार कंपेयर तो करने को मिलेगा ना, बिना कंपेयर किए मैं कंक्लूजन कहां से दूं। तो इन्होंने पहले ही दे दिया क्या, पिछले साल का अर्निंग पर शेयर क्या था, 0.5, इस साल का कंपेयर निकालते हैं। तो फॉर डाइवर्सिफिकेशन
द कंपनी रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल ऑफ 40 लाख. हाँ भाई, इसका मतलब इस साल कंपनी कितना ला रही है उधार? 40 लाख. तो जरा बताना, इक्विटी कितने की थी? 60 लाख. तो टोटल फंड कितने का हो गया? 1 करोड़. अच्छा, अर्निंग वो EBIT दिया हुआ है. देखो, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी अर्नड 8 लाख. तो 8 लाख कितना परसेंट है 1 करोड़ का? 8%. कितना परसेंट होएगा? 8%. तो इस कंपनी में क्या बन रहा है? ROI इज लेस देन कॉस्ट ऑफ, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है? 10%. जबकि ROI कितनी आ रही है? यानी इस केस में डाइवर्सिफिकेशन उधार लेकर करना अच्छा नहीं है, लेकिन हमें कैलकुलेशन के साथ बताना है. तो आप समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर तुम देखा, एज्यूम कर लिया इसने वैल्यू कितनी, 100. ये हमारे ऊपर, हम चाहे तो 10 भी एज्यूम कर सकते हैं. क्या फेस वैल्यू? फिलहाल क्वेश्चन करते हैं, टोटल फंड कितना भाई? 1 करोड़. और प्रॉफिट कितना था? EBIT कितनी थी इसकी? 8 लाख. इंटरेस्ट बोलो कितने पर? 40 लाख पर इंटरेस्ट 10% का, 4 लाख. कितना बचा? 4 लाख. टैक्स कितना? 40%. 4 4 जा कितना बचा? 2 लाख 40. नंबर ऑफ शेयर निकालने, ऊपर उसने एज्यूम किया हुआ है 100, तुम 10 एज्यूम कर लो. क्यों कर लो? पूछो क्यों करना है 10 एज्यूम, पूछो. गुड, वेरी गुड क्वेश्चन. अगर तुमने वहां एज्यूम किया 100, तो नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे? 60,000. और अगर 2 लाख 40 को तुम 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताना जरा? 4. जबकि ऊपर पिछले साल का क्या दिया हुआ था? 0.5. तो अगर तुम्हें मैच करना है तो तुम्हें डिवाइड 100 से करने के बजाय कितने से कर देना चाहिए? अच्छा, तुम 10 से, अरे सुन लो एक बिन, तुम चाहे 10 से करो या 100 से करो तब भी बात बराबर रहेगी, लेकिन आंसर में तो डिफरेंस आएगा ना. अभी समझते हैं इसका मतलब क्या है. मैंने कर दिया 100, वो 10 से डिवाइड किया तो 6 लाख आया. कितना आया अब? 0.40. अब तो कंपेरेबल है दोनों. पिछली बार कंपेरेबल नहीं थे ना, 4 आने पर कंपेरेबल नहीं थे. तो आ जाओ देखते हैं बोर्ड क्या कहता है. हाँ भाई, इफ इन केस ऑफ एग्जामिनी हैज एज्यूम्ड एनी अदर फेस वैल्यू एंड हैज शोन करेक्ट कैलकुलेशन एंड गिवन द करेक्ट कंक्लूजन, फुल क्रेडिट विल बी गिवन. यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम 100 से भी करोगे तो 0.4 आएगा, सॉरी 4 आएगा 100 से करोगे तो, 10 से करोगे तो 0.4 आएगा. दोनों में से कुछ भी करोगे कंसिडरेबल है. लेकिन या और याद रखना, ये बोर्ड का पेपर है. बोर्ड में टीचर को एडवाइस दी गई है कि वो 4 भी लिख देगा तो चलेगा. इसका मतलब 10 एज्यूम करो या 100 एज्यूम करो, बोथ आर, क्योंकि तुम्हें आंसर तो तुम्हें किसके बेस पे बताना था? इसके बेस पे. व्हेन ROI इज लेस देन, ये तो अनफेवरेबल होएगा ही होएगा. तो आंसर में क्या बताओगे? पिछले साल अर्निंग पर शेयर था 0.5, इस साल अर्निंग पर शेयर है 0.4. क्यों? क्योंकि इस कंपनी में ROI क्या थी? लेस देन कॉस्ट ऑफ डेट, जो कि एक अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज की कंडीशन थी, जहां पर ज्यादा उधार लेने की वजह से कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या हो जाता? कम. और इस कंपनी को हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एडवाइस नहीं करेंगे. लेकिन यहां पर कुछ और भी दिया हुआ है. इन केस अ स्टूडेंट हैज कैलकुलेटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 8% एंड कंपेयर्ड इट विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%. यानी क्या? डायरेक्ट कर दे अगर, एंड कंक्लूडेड दैट द शेयर होल्डर्स हैज लॉस्ट, क्या उसको नुकसान हो रहा है ये भी बता दे, तब भी 1 मार्क विल बी अवॉर्डेड. यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन था, सिर्फ 1 नंबर मिलेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन के हैं नंबर, कैलकुलेशन के 3 नंबर, एडवाइस के 1 नंबर, 4 नंबर. तो अब क्या बोल रहा है? अगर तुमने कैलकुलेशन नहीं की तो ऐसे में तुम्हें सिर्फ 1 नंबर मिलेंगे एडवाइस देने के. इसलिए कैलकुलेशन भी दो, एडवाइस भी दो, और एडवाइस के नाम पर हर बार. नेक्स्ट क्वेश्चन देखना. 100% तुम्हें तो करना, लेकिन ना फटाफट करो. सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा. नहीं, इसको मैं चेंज, मैं इसको चेंज करना चाहूंगा. इस 8 लाख को कर दो 10, वो कर दो इसको 20 लाख कर दो. 20 लाख करके सॉल्व करो इसे. 1 करोड़ के ऊपर 20 लाख तो आने चाहिए भाई. 20 लाख करके सॉल्व करो. 20 लाख करके सॉल्व करने की हो रही है, 20 लाख करके सॉल्व करने की हो रही है, 40 लाख, 60 लाख, 1 करोड़. ROI निकालूंगा 20 लाख,
डिवाइड बाय 1 CR मल्टीप्लाई बाय 100, ये आएगा कितना, विच इज़ ग्रेटर देन। बहुत बढ़िया, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमने जैसे एज्यूम किया है 20 लाख, इंटरेस्ट कितना है इस पर 10%, किस पर, 40 लाख पर, 4 लाख, 20 पे से 4 लाख गए 16 लाख, 16 लाख का 40% टैक्स, क्या 1.6, अरे टैक्स कितना आया 40%, 6,40,000, फिर कितना आया 9,60,000, डिवाइड बाय 10 से डिवाइड करो, 6 लाख शेयर, 100 से डिवाइड करोगे तो 60,000 शेयर, जो भी करोगे तो 6 लाख डिवाइड कर दो, इसको मत देखना कितना आया बेटा, वॉट एवर। तो अब हम क्या बोलेंगे, इस कंपनी में ROI क्या था, ग्रेटर देन क्या था, कॉस्ट ऑफ डेट, देयरफॉर दिस इज अ फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज, और ऐसे में जितना ज़्यादा उधार लेंगे उतना ज़्यादा अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। क्लियर है, क्लियर है भाई। लेकिन अब हम आते हैं इस बात पर कि इस बदतमीज बच्चे ने जो बोर्ड में जिसको फुल में से फुल मार्क्स मिले हैं, इसने क्या लिखा है ऐसा। तो देखो, पहले तो इसने कैलकुलेशन लिख दी है जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन हम देखते हैं इसकी लैंग्वेज। सिंस करेंट ईयर्स अर्निंग पर शेयर इज, ये उसके हिसाब से पिछले क्वेश्चन के हिसाब से मान लेते हैं ना, इज लेस देन लास्ट ईयर्स, देयरफॉर द शेयर होल्डर्स क्या कर रहा है, हाँ भाई, वो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से अपना प्रॉफिट खो रहा है, एंड द ROI का फॉर्मूला दे दिया इज 8% विच इज लेस देन द 10%, जिसकी वजह से अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज बन गई। क्या तरीका ही नहीं पता इसे, हाँ भाई, प्रॉपर आंसर कैसे होएगा, जैसा हमने बताया स्टेप बाय स्टेप पकड़ लो, पहले ROI वाला पॉइंट बता दो, फिर वहां से ले आओ फेवरेबल, फिर बता दो डेट और इक्विटी का कंपेयर कर दो, और ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे और ऐसे करना है। क्लियर, पिछले दस सालों में इस जो तुम्हें शीट दी गई है, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया है। इसका मतलब अगर तुम्हें ये समझ में आ गया है तो बधाई हो, तुम्हारे पूरे के पूरे नंबर आएंगे, 3 से 4 का क्वेश्चन आ सकता है, गारंटी मैं नहीं लूंगा। कितने का आएगा, मतलब कितने का आएगा, अरे कितने, 6 तक का तो नहीं आएगा। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत कातिल क्लास होगी, कातिल क्लास, क्योंकि तुम्हें एक दूसरा पेज दिया गया है, एक दूसरा पेज दिया गया है, ये तुम्हें लेकर आना है, जिसके अंदर क्या है, जिसमें दिए हुए फैक्टर्स अफेक्टिंग, बहुत सारे फैक्टर्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।